फॉर मोस्ट ऑफ यू फोक्स आसिफ इज अ ब्रो, पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि हमारे आसिफ जो है वो है जीजा जी। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आज है 13 अक्टूबर 2021, और ठीक आज से दो दिन बाद परसों के दिन है दसैं, है दसैं। मौलाम एग्जैक्टली डेट तो था ना दो गुरु अंदा है दशमी। और दसैं के टाइम पे हम नेपालियों का क्या रहता है कि जैसे हमारे आसिफ भाईजान का हो गया ईद, ईद में इन लोग का दावत होता है, इन लोग घूमते हैं झूमते हैं बड़ों से मिलते हैं, वैसा ही होता है हम लोग का। दसैं में हम लोग पहले दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, उसके बाद में टीका वगैरह लगाते हैं, उसके बाद में हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं और पैसा भी लेते हैं। भाई पैसा लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट, है ना, बड़ों से पैसा लेना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बैठो ना, बैठो बैठो, क्या हो रखा है अभी के टाइम में देना पड़ता है ना। हाँ भाई सही में, अब तो पूरा घर का जिम्मेदारी तुम उठा लिए हो तो तुमको करना ही पड़ेगा ना भाई वो तो। हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ, और आज के दिन हमारे यहाँ पे खसी कट भी रहा है और खसी बढ़ भी रहा है। अब किसके यहाँ पे बढ़ रहा है वो बाद में जाके आपको पता चल जाएगा, पर अभी के टाइम पे हमारे जो आसिफ मियाँ हैं, आसिफ भाईजान हैं, हमारे यहाँ पे आए हैं खसी को हलाल करने के लिए। तो आज के दिन तुम्हारे भाई के घर के यहाँ पे है दावत, और दावत के लिए आ रहे हैं करीब ऐसे ही 10-11-12 फैमिली है, लंच और डिनर कम्बाइन करके। और दसम ये क्या रहता है कि दावत तो रहता ही है, ऊपर से हमारे यहाँ से सेल रोटी वगैरह जो हमारा ट्रेडिशनल रोटी रहता है वो, मिठाई वगैरह, ये घोष वगैरह, उसके बाद में दारू वगैरह सब रहता है। भाई नेपाली है तो दारू तो चलना ही है ना भाई, दारू वगैरह ये सब एक गिफ्ट की तरह हम लोग दूसरे के घर पे हमारे जो नेबर्स वगैरह रहते हैं उन लोग के घर पे देते हैं। तो ये अपना चाल चलन है, वो पहले से ही चलता आता है हमारा ट्रेडिशन। इससे पहले मैं सोचा था कि व्लॉग नहीं बनाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा मेरा भाई आ रहा है यहाँ पे तो व्लॉग तो बनाना बनता है, और ऊपर से मेरा भाई देखो कितना अच्छी तरीके से बिस्किट चबा रहा है। वाह वाह, इसको तो जूम करके निकालना पड़ेगा भाई, दिस पर्टिकुलर क्लिप, सही में दिस पर्टिकुलर क्लिप हैज़ टू बी ज़ूम्ड इन ब्रो। और लंच में बहुत कुछ बनने वाला है, मटन बनने वाला है, चिकन बनने वाला है। चिकन तो लाइफ में फर्स्ट टाइम वाले 9 kg का चिकन फर्स्ट टाइम देख रहे हो। हमारे यहाँ पे चिकन नहीं रहता, टर्की रहता है। जब मैं कोटा में था ना पहले, तो करीब यहाँ पे हमारा ब्रॉयलर का ये टेरेस फार्मिंग होता था, ठीक है, टेरेस में फार्म था ब्रॉयलर का पहले, तो करीब 7 महीना या 8 महीना रखा था मेरे लिए एक ब्रॉयलर, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया था तो एग्जैक्टली 8 kg 700 g का था वो ब्रॉयलर, इतना बड़ा वाला था, ठीक है। वो एक फीमेल थी, ठीक है, और जो मेल रहता है, मेल उसके सामने इतना छोटा सा दिखता था, फीमेल का साइज अगर ये है तो मेल इतना छोटा सा दिखता था, मतलब इतना बड़ा वाला था वो। तो आज के दिन पे बहुत काम है मेरे। सबसे पहले तो दुकान में इतना ज़्यादा सामान वगैरह आया हुआ है, ये सबको संभाल के अरेंज करके रखना है। उसके बाद में आसिफ भाईजान तो आज शायद घर चले जाएंगे अब चाय पीने के बाद में, फिर आसिफ भाईजान के यहाँ भी तो गोश्त देना जाना ही है मुझे। आज हमारी गुलफिशा भाभी बना रही है, भाऊजी बना रही है हमारे यहाँ पे, क्या बनाएगी भाऊजू, मटन कीमा। तो उसके बाद में यूनुस के घर पे जाना है हमको, यूनुस के घर पे भी तो देना है। तो शाम को मिलते हैं भाई, मिलोगे शाम को? हाँ शाम को, मतलब दोपहर को भी हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द टाइमिंग, पर मिलते हैं भाई ज़रूर। कौन कमबख्त कहता है कि दुकान चलाना बहुत आसान है, एक एक सामान आता है उसका बिल आता है, और यहाँ पे जितना सामान आया उसमें 6 आइटम मिसिंग था, तो वी हैव टू टैली एवरीथिंग कि जो बिल में लिखा हुआ है, जो सामान आया हुआ है, प्राइस जो जोड़ा हुआ है, वो सब देखना पड़ता है। जितना आसान दिखता है उतना आसान होता है नहीं, ज़िंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी है जीत। वाह प्रियम द पोएट। अभी सुबह के बज रहे करीब 9:30, और करीब 11:30 से गेस्ट वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, तो
अभी 2 घंटा बचा हुआ है हमारे पास, तो अभी दुकान भी देख रहा हूँ, उसके बाद में घर पे भी कुछ काम वगैरह है, हेल्प करना पड़ेगा मुझे। और जब दोपहर के लंच वाले गेस्ट चले जाएंगे, उसके बाद में शायद मुझे टाउन वगैरह जाना पड़ेगा, यूनुस के फैमिली को गया, आसिफ के फैमिली को गए, उन लोग को अपना ये दसई का जो रहता है वो देना पड़ेगा। इससे मैं अपना दसई का भाग दे दूंगा उन लोग को, उसके बाद मुझे घर आना पड़ेगा, उसके बाद में फिर रहेगा रात के डिनर का प्रिपरेशन। तो भाई साहब आज के दिन अच्छा वाला लगने वाला है। This girl is so small yet she eats Sudarshan Supari. देखो क्या ले जा रही है ये, ये क्या ले जा रही है, ये क्या ले जा रही है, देखो देखो ये हनी सिंह की फैन क्या ले जा रही है, सुपारी लेके जा रही है। इतनी छोटी है, तुमको तो मैं घर में रखूंगा, अब तुमको बर्तन मजवाऊंगा मैं, बर्तन मांजना है तुमको, हाँ तुमको बर्तन मांजना है, बहुत देख लिया कार्टून नेटवर्क, अब बर्तन मांजो आके जल्दी जल्दी जल्दी। This is made by our Bauju, हमारे Bauju के हाथों का खर्चे खसी का। एंड here is a Marriott chef, JW Marriott का शेफ बना रहे हैं मटन करी। यहाँ पे है हमारा आलू दम, what else? चिकन कर ए चिकन चिली आता होगा ए, ये तो वेज है Bauju, मिक्स वेज चिकन चिली एखाने आछे। ये सबै हाम्रो कालिम्पोङको शेफले बनाएको, हाम्रो Bauju है, हाम्रो कालिम्पोङको शेफ Marriott के शेफ, द शेफ फ्रम JW Marriott इज जस्ट कुकिङ मटन करी, बट द शेफ फ्रम कालिम्पोङ और डियर Bauju यसको एभ्री सिङ्गल थिङ अदर देन द्याट। औ शेफ है, 8 माइलको शेफ होइन, औ शेफ नि, एन्ड दिस इज मिक्स भेजिटेबल, कुल दाल इज गेटिङ रेडी, द राइस इज गेटिङ रेडी। हजुर फैमिली शेफ है, ऑल्दो मैं बड़ा शेफ वगैरह तो नहीं हूँ, पर आई एक्चुअली लाइक टू कुक, ओके आई लाइक टू कुक फॉर माई क्लोज वंस। पर ऐसा बात पता चला मुझे आज JW Marriott का शेफ से कि जो हम नॉर्मली खाना वगैरह पकाते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये लोग भी सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, पर ये लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग को अगर पता चलेगा कि हम लोग दंग हो जाएंगे, वैसे तरीके से, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल बेसिकली, पर इन लोग का यूज़ करने का तरीका अलग रहता है हम लोग से। तो ये शेफ़ का सीक्रेट है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता सीक्रेट क्या है, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा, अगर मैं शेयर करूँगा तो सीक्रेट वोंट बी अ सीक्रेट एनी मोर, राइट शेफ, सो आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दैट। तो अभी हमारा लंच समाप्त हुआ, मतलब मेरा मम्मी का और Bauju का लंच समाप्त हुआ, और टाइम हो रहा है करीब 4:35, तो अभी शाम हो रहा है, तो करीब 1 घंटा बाद पूरा अंधेरा होने वाला है, तो जब अंधेरा हो जाएगा उस टाइम ये ब्लॉग को लंबा खींच के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। वैसे काम तो है मेरा, मुझे जाना पड़ेगा बाज़ार की तरफ, आसिफ को भी देना पड़ेगा गोश्त मटन, यूनुस के घर पे भी जाना पड़ेगा, और आसपास में नेबर्स के यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। पर मुझे नहीं लग रहा है कि रात होने के बाद में मेरा कुछ जो कैमरा है, मेरा जो सेटअप है वो जस्टिस दे पाएगा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज योर ब्रदर द व्लॉगर फ्रॉम द हिल्स, प्रियम गुरुंग, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ। परसों मिलते हैं दसई के व्लॉग में, हैप्पी दसई टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग, चाओ।